हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है कि एक इंसान के लिए जो है जितना अच्छा घर बनाना जरूरी है, उतना ही जो है उन घर के अंदर जो है अच्छी चौखटों का और अच्छी विंडो का होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम असमंजस में पड़े रहते हैं, वहम में पड़े रहते हैं, लोगों की तरह तरह की जो है राय होती है। और आज उन तरह तरह की जो है वहम को जो है और राय को जो है एक सूत्र में बांधने के लिए जो है आज हमने जो है आपके लिए एक स्पेशल जापानी चद्दर की हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन होगा, जिसमें आप अपने घर के लिए अच्छी से अच्छी जो है जापानी चद्दर की जो है ये चौखट और विंडोज़ और दरवाजे वगैरह जो है तैयार करवा सकेंगे। दर्शकों, बस आपसे निवेदन इतना ही है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दर्शकों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और वंदे मातरम। जनता के हर हाल की खबर अब आपके मोबाइल पर 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल में अभी देख पा रहे हैं आप। के स्टील इंटरनेशनल बिलासपुर की आप लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हो, जो कि इस एरिया की सबसे बड़ी जो है वर्कशॉप मानी जा रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी जो है वर्कशॉप है इस एरिया की, तो इसके बारे में जो हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, यहां पर मैं अभी मौजूद हूं, जिसका जो एड्रेस है यहां पर एक साइड में बसाती हॉस्पिटल पड़ता है और जो दूसरी साइड में जो है कृष्णा हॉस्पिटल पड़ता है और ग्रामीण बैंक भी इनके नजदीक है। तो याद रखिए दोस्तों, के स्टील इंटरनेशनल के नाम से ये वर्कशॉप है, जो कि हमारे एरिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप कही जा रही है, जिसका माल जो है यूपी, उत्तराखंड और आसपास के जो एरिया में जो है बताया जा रहा है। तो सभी बातों से हम पर्दा उठाएंगे, क्योंकि इसकी लाइफ को लेकर भी जो है कई हमारी भ्रांतियां हैं, कई असमंजस हैं और इसकी फिनिशिंग को लेकर भी कई भ्रांतियां और जो है इस प्रकार की हैं, तो उन सब से हम पर्दा उठाएंगे। तो क्योंकि हमारे साथ जो है इस वर्कशॉप के जो ओनर मिस्टर प्रदीप जी हमारे सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, तो इनसे हम एक एक करके जो है पूरी बात करेंगे। तो मैं प्रदीप जी से आग्रह करूँगा तो पूरी तरह कैमरे के सामने आएँ और हमारे कस्टमर को जो है एक एक करके बात बताएँ। तो सर, सबसे पहले जो है मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। सर, ये आपकी वर्कशॉप जो है कितने साल से यहाँ पर आप कार्यरत है? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर, हमारी जो वर्कशॉप है ये 4-5 ईयर से यहाँ पे कंटिन्यू में चल रहे हैं हम लगातार। पहले हम जो काम करते थे, अभी छोटे स्केल पे काम था, एक्चुअली पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग काम था सिर्फ, तो हमने धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट की और इंप्रूवमेंट करने के बाद हमने इस काम को बहुत अच्छे लेवल पर लेके चले गए। हम यहाँ पे होलसेलर हैं, अभी यहाँ पे होलसेलर और यानी हम जो दुकान में सप्लाई करते हैं हमारे सभी पे, जैसे हम यूपी में, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, यानी इधर जैसे यूपी में जाते हैं सहारनपुर, ऋषिकेश तक हमारा माल जाता है, शामली में, इधर हिमाचल में जाता है हमारा माल, यहाँ पे हरिपुर धार तक, और जैसे हमारा उत्तराखंड में आ जाता है देहरादून, सिलाई हो गया इधर, इस तरफ हमारा माल पोटा साहिब सब जगह जाता है। और ये इसके अंदर जो है ना काफ़ी क्वालिटीज होती है जी, जो हमारी इसको हम बोलते हैं कि जापानी जी चादर हम जिसको बोलते हैं, जो आपके सामने ये खड़ी हुई देख रहे हो, ये कॉर्नर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे एक कॉर्नर, इस तरफ ये विंडो खड़ी है, ये सब अलग अलग मटेरियल की क्वालिटीज होती हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये वाकई में जापानी मटेरियल है या जापानी चद्दर है? पहले सबसे पहले ये इस भ्रांति को सर हमारे दूर कीजिए, हमारे कस्टमर की, लोग सोचते हैं कि बाहर का माल है, क्या कुछ इसके बारे में बताइए, किस चीज़ की होती है सर चद्दर ये? सर, एक्चुअली में जो चद्दर हमारी ये बनी होती है, हम जापानी चद्दर बोलते हैं लोकल, वैसे PPGI कोयल होती है जी, ये PPGI कोयल होती है जो हम जैसे बाहर ले उससे ले जाते हैं, जैसे बॉम्बे से ले जाते हैं, जैसे मेरे पास माल लेता हूँ मैं बॉम्बे से माल लेता हूँ टोटल जितना भी है, और जो चद्दर आती है हमारे पास ये अलग अलग क्वालिटीज़ में आती है। हम बोलते हैं इसमें गेज है, 14 गेज है, 16 गेज है, 18 गेज है, बट इसमें कोई गेज का कोई मैटर नहीं करता। इसमें क्या होता है कि हम गेज को छोड़ के इसमें MM होती है, जैसे 0.8 से लेकर 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 तक, मतलब ये आती है। जो है थिकनेस, जो है मोटाई की बात कर रहे हैं? यस राइट, ये इसकी मोटाई है जी। जितनी भी इसकी मोटाई होती है मैं आपको बता दी, इसके मोटाई के अकॉर्डिंग के रेट होते हैं, जब हम जो प्राइस देते हैं जैसे 60 रुपीज़ 60 रुपये पर फीट से स्टार्ट हो जाती है और 95 तक सारी मिल जाती है, क्योंकि मार्केट है अप और डाउन चलती रहती है, कभी रेट हाई हो जाते हैं, कभी इसके रेट लो भी हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब इसकी लाइफ होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ मोटाई के अकॉर्डिंग इसकी लाइफ होती है, जितनी बारीक चीज़ होगी उतनी लाइफ कम होगी, जितनी अच्छी चीज़ क्वालिटी मोटाई होगी जितनी, तो उसकी चीज़ उतनी ही अच्छी होगी, लॉन्ग लाइफ निकालती है फिर हमारी। सर, बताया जा रहा है कि आपके इस एरिया में जो है पूरे आसपास के क्षेत्र में ये आपकी जो है सबसे बड़ी वर्कशॉप है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये वर्कशॉप सबसे हमारे इस एरिया की, बिलासपुर एरिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप है, और जो हम यहाँ पे मटेरियल देते हैं टोटल क्वालिटी का मटेरियल मिलता है, हर कंपनी का माल मिलता है यहाँ पे, जैसे आप इसमें कंपनी आती है अपोलो, एक कंपनी आती है इसके अंदर अपनी ये एशियन, एरिको आती है इसी में हाईटेक, ये तीन क्वालिटी है, बस इसमें जो बेटर क्वालिटी मानी जाती है वो एशियन की मानी जाती है, और हम टोटल जितना मटेरियल लेके आते हैं बाहर से, हम बॉम्बे से लेके आते हैं, जितना मटेरियल गाड़ियों हमारे पास आता है 42 टन आता है, 50 टन, 70 टन ऐसे माल आता है, तो टोटल मटेरियल हम एशियन कंपनी का ही लेके आते हैं, ताकि अगर जो भी कस्टमर आता है हमारा वो सेटिस्फाई हो, उसको लेके हम क्वालिटी मिली हमें।
अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं हम हमेशा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एशियन कंपनी का जो है सबसे जो दी बेस्ट क्वालिटी है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है चादरों में। तो दर्शकों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर देने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बिना स्किप किए हमारी वीडियो देखते रहें। सर हमारे कस्टमर को क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो यहाँ पर आपके पास आए, और क्या कुछ बारीकियाँ बताना चाहेंगे हमारे कस्टमर को, जो क्योंकि बाहर जो है कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती है, तो क्या कुछ आपको कस्टमर को हमारे समझाएंगे सर? एक्चुअली में कई बार कस्टमर सोचते हैं कि हमें माल लेने के लिए आ गए, हम उन्होंने जैसे MMA कोई भी चीज़ यूज़ किया, उन्होंने कहा मेरे 0.8 चाहिए, वो कहते हैं 14 गेज में चाहिए। तो 14 गेज में 1.4 भी आती है, 1.5 भी आती है, 1.2 भी आती है, पर इसमें गेज का मैंने आपको पहले बताया था कि कोई मैटर नहीं है गेज वाला इसमें। तो जब गेज का कोई मैटर नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें वेट के अकॉर्डिंग लो आप, कि एक फुट के अंदर जितना वेट होता है, जैसे हम 0.8 है और एक फुट में इसमें 450 ग्राम वजन होता है, और ऐसे ही 0.9 है उसमें 500 ग्राम वजन होता है, जो सबसे टॉप में है 1.5 उसमें एक फुट में 900 ग्राम वजन होता है। तो अगर हम अच्छी टॉप क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा गेज के उसमें मत पड़ना बिल्कुल, आप इसमें एमएम में लो कि हमें 1.2 की दो, 1.mm की दो, तो आपको उसमें पता चलेगा कि क्वालिटी अच्छी है। जैसे आप क्वालिटी पसंद करते हो फिर आपको क्वालिटी मिल जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पर सर एक फिनिशिंग की बात कही जा रही थी कि पता चल रहा था कि आपके यहाँ पर वर्कशॉप में जो है फिनिशिंग का जो है मैटर सबसे ज़्यादा है, तो फिनिशिंग किस प्रकार की देते हैं जो दूसरों के बजाय सर, आप दूसरे वर्कशॉप की बजाय हमें फिनिशिंग के बारे में थोड़ा बताइए और दिखाइए भी सर हमें। सर एक्चुअली में जब हम जो फिनिशिंग करते हैं, मेरे सभी वर्कर, मेरे जो टीम वर्क करते हैं, हम सभी मेरे टीम वर्क हैं यहाँ पे, हम सभी मिलजुल के सभी काम करते हैं, और हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या डेफिनेटली हम करते हैं कि हमें जो मटेरियल देते हैं हम सभी को बिल्कुल फिनिशिंग में देते हैं। पहले क्या होता था, हम वेल्डिंग करते थे बीच में, आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ, अब उस सैंपल से समझ जाओगे फिनिशिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए सामने एक बार देखो सर, हमारे पास ये खिड़की है जी सर, इस खिड़की के अंदर हम पहले वेल्डिंग करते थे, इसमें साइड में आपको शायद दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, ये सामने देखिए बार सर, ये वेल्डिंग है सर, ये वेल्डिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जब हम सफाई, इसमें प्रॉपर सफाई नहीं आती जी, तो हम क्या, अगर जब सफाई नहीं आती इसके अंदर, तो हमसे पेंट पुट भी करते हैं, फिर भी लाइनिंग हमें जी दिखाई देती है जी सर। तो हम इस लाइनिंग को बिल्कुल बंद करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा मटेरियल चलाया जिसके अंदर, ऐसी मशीन को लेके आए हम जिसके अंदर हम लॉक सिस्टम करते हैं, और लॉक सिस्टम में क्या होता है, हमारी फिनिशिंग अच्छी सफाई आती है, उसमें वेल्डिंग की कम से कम जरूरत पड़ती है, उसको टप्पा लॉक सिस्टम बोलते हैं हम, जो आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये सामने, जैसे आपने उस तरफ यहाँ पे वेल्डिंग देखी थी, इस पर वेल्डिंग नहीं है किस तरफ भी, और जब वेल्डिंग नहीं होगी तो ऑटोमेटिक इसमें सफाई अच्छी आएगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो सर आपको मतलब कि इसमें क्या लॉक सिस्टम क्या कुछ क्या रखा है? इसमें हमने लॉक सिस्टम किया हुआ है, उस लॉक सिस्टम से अगर हम मिस्त्री जो होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं हमारे मिस्त्री भाई यहाँ जितने भी, जो उसके ऊपर सुराख होते हैं यहाँ पे जिसको भरते हैं ना, तो ये लॉक सिस्टम नहीं खुलता और ये मजबूत हो जाता है काफ़ी जी जी। और इसमें हमें एक और सिस्टम किया हमने, इसके अंदर हम ऊपर की तरफ ये हमने जो हम चिटनी भरते हैं ना जी, जब चिटनी लगाते हैं उसके होल हम यहीं पे करके देते हैं, होल जी, होल पहले से करके देते हैं, पहले एडवांस में, ताकि जो हमारा मिस्त्री लगता है लकड़ वाला जी, तो उसको जो है ना कोई प्रॉब्लम ना है उसे चिटनी लगाने के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें होल करके नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो जब मिस्त्री चिटनी लगाते हैं तो हैमर के साथ बहुत मुश्किल से लगते हैं, जिसमें स्पाइन होती है, रेत गिरता है ऊपर से नीचे, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से सब कुछ करके देते हैं, तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, और जो हमारा लकड़ वाला मिस्त्री होता है वो अच्छे से इसको चिटनी के ऊपर लगा सकते हैं। तो सर दूसरा सवाल हमारा यह है कि अब हमने पेंट के बारे में भी आपके कई जो है बातें सुनने को मिली थी कि यहाँ पर आप पेंट भी आप अपने हिसाब से, आप मतलब कस्टमर के हिसाब से करके देते हो, और इसके पेंट के क्वालिटी के बारे में सर कुछ बताइए, और क्या कुछ आप हमारे जो कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं यहाँ पर? सर जैसे हम, मैंने आपको बताया था कि हम एशियन कंपनी का माल लेके आते हैं, तो हम जो टोटल पेंट यूज़ करते हैं, ब्राउन पेंट हो गया, या आपने कोई भी पेंट कराना है, ब्राउन कराना, ग्रे कराना, जो भी पेंट कराना चाहो आप करा सकते हो उसके ऊपर पेंट, हमारे यहाँ पेंट की पूरी फुल फैसिलिटी है। जैसी चौकट होती है आप अगर कलर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर हम जैसे हम कलर करते हैं तो फ्रंट में, अगर हम बैक की तरफ कलर करें तो हमारी जो जापानी स्टील की चदरा बोलते हैं PPJ जो कोयला है, तो इसकी जो बैक में पेंट करने से इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हम लॉन्ग लाइफ हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक ये निकाल देती है। तो ये कस्टमर को आप बोल सकते हो कि भी अगर आप बीच में जो है इसमें पेंट करवाते हो तो लाइफ ज़्यादा इसकी बढ़ जाएगी? हाँ बिल्कुल, हम हर कस्टमर को बोलते हैं कि अगर आप आ रहे हो तो इसके बैक साइड में पेंट कराओ, और पेंट करने के बाद क्या होगा कि इसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी जी। तो सर इसमें जैसे कि पहले से इसमें पेंट होता है, तो ये पेंट कैसे होता है, क्या इसके बाद भी कोई पेंट होता है सर? हाँ इसके बाद भी हम जैसा मर्जी पेंट इसके ऊपर कर सकते हैं, जब जो भी पेंट चाहें हम वो पेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। जो हमारे साथ ही पेंट आ रहा है, कंपनी का पेंट आए, ये कंपनी पेंट करती है, कलर कोटेड कोयल बोलते हैं इसको, ये कंपनी से पेंट आया हुआ है, और अब क्या होगा जब ये पेंट इसके बाद दोबारा करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली, जैसे हम घर पे पेंट करते हैं एक बार ख़राब हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर करते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, तो उसमें फिर ये तो चौकाटे एक बार लगी दोबारा नहीं होगा, और इसमें लगा इसके बैक साइड कर देते हैं तो इसमें कभी भी आपको जंग की या कोई शिकायत नहीं आएगी।
तो ये भी कह सकते हैं कि भी आप यहाँ पर जो है कस्टमर के हिसाब से कलर करके दे सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, ब्राउन कलर कराओ, व्हाइट कराओ, ब्लैक कराओ, जैसा कलर चाहो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिस्टर प्रदीप जी ने यहाँ पर अपनी वर्कशॉप में बताया कि यहाँ पर बारीकियों के बारे में बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से लॉक सिस्टम है, किस प्रकार से आप पेंट करवा सकते हो यहाँ पर अपने हिसाब से, और किस प्रकार से जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने घर के लिए एक अच्छी चादरों का जो है निर्माण यहाँ पर अपने हिसाब से करवा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपके फिर से दोबारा से याद करवाना चाहता हूँ, के स्टील इंटरनेशनल साथ में जो है बसाती हॉस्पिटल है, और एक साइड में जो है कृष्णा हॉस्पिटल, जो बीच में जो यहाँ पर के जो है स्टील इंटरनेशनल यहाँ पर एक वर्कशॉप है जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर शॉप है। और दर्शकों मैं आपसे बस निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर के स्टील इंटरनेशनल के पास एक बार यहाँ पर आकर इनको सेवा का मौका जरूर दें और इनसे बातचीत जरूर करें यदि आपका विचार बन रहा है मकान बनाने का या आप चौकटी और विंडो लेने की सोच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा यमुनानगर बिलासपुर।